हैप्पी दिवाली भी बोलना है आज तो। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Happy Diwali. To all of you, happy Diwali. तो आज हम बात करेंगे कि चल रहा है डेंगू डेंगी, तो हमने कहा बच्चे बूढ़े बुजुर्ग बड़े सब लोग हम लोग जो है वो सबके एक साथ कैसे केयर करनी है। जैसा कि आप जानते हैं 80-90% पेशेंट्स जो डेंगू होता है वो घर ही में ठीक हो सकते हैं। सो आज उसकी केयर, बच्चों की केयर और बड़ों की केयर कैसे करनी है आज जानेंगे। हाउ टू ट्रीट डेंगू सिम्टम्स एट होम। सबसे पहला ऑप्शन आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आपको प्रिवेंट करना है। डेंगू प्रिवेंशन सबसे पहले आता है, इसीलिए कहीं भी घर के आसपास कोई पानी खड़ा है मॉस्किटो वॉस्किटो से अपने घर परिवार बच्चों बूढ़ों को सबको बचाएं, वो सब आपको पता है कैसे करना है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट। डेंगू इज़ अ वायरल फीवर, उसमें रेस्ट करना है, बुखार आएगा, बॉडी पेन होगा, तो उसके लिए केवल और केवल पैरासिटामोल एसिटामिनोफिन आपको लेना है, कोई ब्रूफेन आइबुप्रोफेन एस्पिरिन एस्पिरिन कुछ नहीं लेना। और बच्चे का अगर बड़ों का अगर गर्म हो रहा है शरीर तो स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। सबसे प्राइमरी चीज़ है पानी खूब सारा पीना है, डिहाइड्रेशन आपको प्रिवेंट करना है। वॉमिटिंग कर रहा है कोई तो और ज़्यादा पानी, लूज मोशन हो रहे हैं तो और ज़्यादा पानी, पानी पानी पानी, इलेक्ट्रॉल ORS नारियल पानी, कोई भी पानी लिक्विड सारा ले सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन, यानी डेंगू केस में क्या होता है बच्चों में। बच्चों के केस में अगर छोटे बेबीज हैं वो लेस देन वन ईयर की एज के हैं जो डायपर्स पहन रहे हैं, अगर वो दिन में डायपर आपको उनका एक या दो बार ही चेंज करना पड़ रहा है, डायपर्स गीले नहीं है, बच्चा दिन में दो या तीन बार ही सुसु कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, मुंह सूख रहा है, टंग वाइट हो रही है, जब रो रहा है तो आंखों में आंसू नहीं है, स्किन सॉफ्ट हो रही है, खिंच रही है, दैट मीन्स कि आपका बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है एंड यू नीड टू सीक हेल्प। अब सीवियर डिहाइड्रेशन के बच्चों में क्या साइन आएंगे? बच्चा बिल्कुल ही सुस्त हो जाएगा, पड़ा रहेगा, लेथार्जिक होगा, आंखें बच्चों की अंदर होती हैं, बच्चों के हाथ पैरों का कलर बिल्कुल वाइटिश हो जाता है, सुसु आप सोचेंगे कि बच्चे ने सुबह से किया, शाम हो गई, अब तक बच्चे ने एक आध बार भी सुसु नहीं किया है। दीज आर वेरी कॉमन साइंस जो मिलते हैं एंड आपको इन साइंस का वेट नहीं करना है। वेन एवर यू सस्पेक्ट एनीथिंग लाइक दैट यू हैव टू ब्रिंग द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल। तो छोटे बच्चों में जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। अब एडल्ट के केस में, बड़ों के केस में आपको केवल प्यास लगेगी। प्यास लगना अपने आप में डिहाइड्रेशन का फर्स्ट साइन है। आपकी जबान या मुंह सूखने लगेगा, स्टिकी होने लगेगा, आपको लगेगा कि आपका यूरिन जो है येलो आ रहा है और उतना नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा है, स्किन ड्राई और गर्म होने लगेगी, सर में दर्द भी हो सकता है। और सीवियर डिहाइड्रेशन अगर आपको हो रहा है तो और भी कम यूरिन आएगा, और भी डार्क यूरिन आएगा, और ज़्यादा चक्कर भी आ सकते हैं, डिजीनेस स्लीपीनेस फील हो सकती है, कन्फ्यूज फील हो सकती है, इरिटेबल फील हो सकते हो, दिल की धड़कन धड़ 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 बढ़ सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, आईज आपकी अंदर की तरफ धक सकती है। सो ऑल दीज आर साइंस इंपॉर्टेंट टू बी टेकन केयर ऑफ। ऐसा हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। इनफैक्ट बच्चों के डायपर्स भी स्टेन्ड हो सकते हैं डार्क कलर्ड यूरिन की वजह से। जैसे बड़ों का यूरिन डार्क हो सकता है, बच्चों का भी यूरिन डार्क कलर्ड हो सकता है। सो दोनों केस में आपको ध्यान रखना है कि आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और सीवियर डेंगू जो होता है वो कई बार बुखार जाने के बाद शुरू होता है। सो फीवर चला गया उसके बाद डेंजरस स्टेज शुरू हो सकता है अगले 24 to 48 थर्ड डे से, तीसरे दिन से। सो फीवर के बाद वार्निंग साइन आने के चांस है, लेकिन ये सब में नहीं आते हैं। 25% लोगों को ही सीवियर डेंगू, नॉर्मल डेंगू में से सिम्टम्स होते हैं, और उसमें भी केवल 20 में से 1% है जिसको सीवियर डेंगू होगा, जिसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो उनमें आप क्या साइन एंड सिम्टम देखेंगे? उनमें देखेंगे कि कहीं किसी को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, हाथ लगाने से पेट दर्द हो रहा है, 3 से ज़्यादा बार 24 घंटे के अंदर उल्टियाँ आ रही हैं, नाक से गम से उल्टी में कहीं भी खून आ रहा है, अति मात्रा में बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस रेस्टलेसनेस इरिटेबिलिटी हो रही है, ठंडे एकदम हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो ये वार्निंग साइन है। ये बहुत लेट हो जाएगा अगर तुरंत हॉस्पिटल नहीं गए। ये बड़े और बच्चों में सेम रहते हैं। बच्चा बोल सकता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी फील हो रही है, थकान हो रही है, ये सेम साइंस है, वार्निंग साइंस डोंट रियली चेंज मच। सो ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। अगर आपको कहीं पर इन्फेक्शन हो गया मान लो, तो आपके खून में डेंगू का वायरस होगा, और आपको आया वायरस है किसी डेंगू वाले मच्छर ने काटने की वजह से। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके आसपास सारे मच्छरों में डेंगू है, नहीं, आपको अगर डेंगू हो गया तो आपको काटेगा अगर कोई मच्छर, वो भी उसी दिन नहीं, कुछ दिनों के बाद, 7 दिन लगते हैं आपके अंदर होने के बाद, उसके बाद आपको कोई मच्छर काटेगा तो आपसे वो डेंगू ले लेगा। तो 7 दिन 5 दिन 3 दिन ऐसा कुछ उसका पीरियड है, वो मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। तो मच्छर से आपको खुद को बचाना है, इवन आफ्टर डेंगू हो गया तो घर पे रहिए, और मॉस्किटोज को इंडोर आउटडोर आने से बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। मॉस्किटोज डेंगू में काटते हैं डस्क एंड डॉन पे, यानी कि सूरज उगते समय, सूरज डूबते समय, तो उस समय जरूर बचाएं।
प्रोटेक्ट अदर्स ऑल्सो, खुद को भी पूरे स्लीव के कपड़े पहने, हाथ पे आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करें, अगर घर में है तो डोर्स और विंडोज पे आप जो है जाली लगाएं, एयर कंडीशनिंग है तो दरवाजा बंद करके एयर कंडीशनिंग यूज करें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी रजिस्टर्ड इंसेक्ट रिपेलेंट्स EPA रजिस्टर्ड इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करें, वो बहुत जरूरी है, और जितने सेफ होंगे उतना अच्छा होगा। उसमें आपको डीट ये सारे नाम देख लो, लेमन एक नेचुरल में जाना है तो ऑयल ऑफ लेमन यूकेलिप्टस आता है वो भी यूज कर सकते हैं, और बाकी सारे आर्टिफिशियल या केमिकल भी हैं जो रिपेलेंट्स होते हैं। तो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके मच्छर भगाना है, बच्चे को बचाना है और बड़ों को बचाना है, मलेरिया डेंगू दोनों से आप बच सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप मिलके, हम लोग मिलके आप इस बार दिवाली और दिवाली के आसपास खुशी से मनाएं, ताकि डेंगू बुखार से हम अपने और अपने परिवार को बचा पाएं। तो इस वीडियो को खूब सारा शेयर करिए और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।